Hello everybody, welcome to Civil Steps. So in our lecture series of Sthapna, we are discussing the subject of medieval history और आज हम एक new topic start करने जा रहे हैं, that is advent of Europeans. तो अभी तक हमने इन सारे topics को cover कर लिया है और आज हम advent of Europeans के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कि हम ये पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो European powers हैं, जैसे Portuguese हैं, Dutch हैं, Britishers हैं, वो किस तरीके से इंडिया में आई, उन्होंने किस तरीके से अपनी factories को establish किया different places पे, और कैसे फिर जो Indian states थे उनको किस तरीके से एनेक्स किया. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं पास्ट ईयर्स में इससे, तो इस टॉपिक को आपको बहुत ज़्यादा केयरफुली पढ़ना है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो. बट बिफोर स्टार्टिंग लेट मी टेल यू दैट वी हैव ऑल्सो लॉन्च्ड आवर अभ्यास करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज फ्रॉम 1 अप्रैल, जिसमें कि 10 फुल लेंथ टेस्ट हैं और दीज टेस्ट आर डाउनलोडेबल एज वेल एज प्रिंटेबल. और क्वेश्चन के साथ साथ वी ऑल्सो प्रोवाइड यू डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, जिससे कि आप पास्ट 1.5 ईयर्स के करंट अफेयर्स को रिवाइज कर सकते हैं. एंड वी गॉट अ वेरी गुड रिस्पॉन्स ऑन दैट, दैट्स वाई वी लॉन्च आर बैच 2 ऑफ दिस टेस्ट सीरीज, जिसमें कि 5 फुल लेंथ टेस्ट हैं और इससे भी आप पास्ट 1.5 ईयर्स के करंट अफेयर्स को रिवाइज कर सकते हैं. सो यू कैन चूज अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस बिटवीन बैच 1 एंड बैच 2. एंड फॉर मोर डिटेल्स अबाउट द टेस्ट सीरीज you can click on the link given in the description box. Now let's start with the video. तो सबसे पहले जो इंडिया में यूरोपियंस में सबसे पहले जो पावर आई थी दैट वाज पोर्चुगीज. सो सबसे पहले हम उसी के बारे में डिस्कशन करेंगे. सो एंशिएंट टाइम से ही इंडिया का जो है यूरोप के साथ ट्रेड लिंक था, ठीक है. और 15th सेंचुरी की बिगिनिंग तक अगर हम देखें तो 3 रूट्स थे जिसके थ्रू जो है इंडिया का ट्रेड होता था विद द यूरोप, ठीक है. और उसमें से कौन कौन से सी रूट्स थे वो, तो फर्स्ट वॉज द फर्स्ट रूट यूज टू रीच द कैस्पियन एंड द ब्लैक सीज थ्रू सेंट्रल एशिया अलॉन्ग द बैंक्स ऑफ रिवर ऑक्सस. तो एक जो रूट था वो था बैंक्स ऑफ रिवर ऑक्सस के थ्रू जो है कैस्पियन और ब्लैक सी के होते हुए सेंट्रल एशिया तक पहुंचते थे. दूसरा रूट था दैट वॉज थ्रू मेडिटेरियन सी थ्रू सीरिया, तो अप टू मेडिटेरियन सी, कहाँ से, सीरिया के थ्रू. और तीसरा रूट था दैट वॉज टू रीच इजिप्ट वाया द रेड सी, ठीक है. तो एक रूट था कैस्पियन और ब्लैक सी तक पहुँचने का, एक था मेडिटेरियन सी तक पहुँचने का, तीसरा था इजिप्ट तक पहुँचने का. तो इन 3 रूट्स के थ्रू ही जो है 15th सेंचुरी की बिगिनिंग तक, यहाँ पर आपको टाइम पीरियड नोट करना है, 15th सेंचुरी की बिगिनिंग तक इन्हीं 3 रूट से जो है ट्रेड किया जाता था, किसका, इंडिया का यूरोप के साथ. लेकिन 1453 में क्या हुआ कि जो टर्किश जो पावर थी उन्होंने जो है कॉन्स्टेंटिनोपल पर उसको कंक्वेस्ट कर लिया, उस पर उनकी अथॉरिटी इस्टेब्लिश हो गई. और फिर ये जो 3 रूट थे जो वेस्टर्न कंट्री से कनेक्ट करते थे इंडिया को, इन 3 रूट्स को बंद कर दिया गया. इसीलिए वेस्टर्न कंट्रीज़ के पास फिर कोई ऑप्शन नहीं था इंडिया से ट्रेड इस्टेब्लिश करने का, इसलिए उन्होंने सोचा टू सर्च न्यू रूट्स टू इंडिया, सो दैट जो उनकी डिमांड्स हैं इंडियन वेल्थ की और जो ईस्टर्न स्पाइसेस होती थी, स्पाइसेस की बहुत ज़्यादा डिमांड थी यूरोपियन कंट्रीज़ में, तो ये सारी जो डिमांड है इसको फुलफिल करने के लिए वेस्टर्न कंट्रीज़ ने एक नए रूट को डिस्कवर करने का सोचा. और इसीलिए 1492 में एक स्पेनिश नेविगेटर जिसका नाम था क्रिस्टोफर कोलंबस, वो इंडिया की डिस्कवरी के लिए ही सेट आउट अ वोयाज बट लैंडेड ऑन द सॉइल ऑफ अमेरिका इंस्टेड. तो इंडिया को ढूंढने के चक्कर में ही डिस्कवर्ड द अमेरिका. इसीलिए जो वहाँ के पहले लोग हैं, जहाँ पर सबसे पहले लैंड किया था क्रिस्टोफर कोलंबस ने, वो वहाँ के जो नेटिव थे उनको इंडियंस बोला जाता है, बट दैट वॉज अमेरिका. उसके बाद 20 मई 1498, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर ये वाली डेट अगर हम हिस्ट्री में देखें, क्यों, क्योंकि इस दिन एक पोर्चुगीज नेविगेटर जिसका नाम था वास्को डी गामा ही रीच द शोर्स ऑफ इंडिया, कहाँ पर, एट कैलीकट. तो पहली बार जो यूरोपियंस ने अपने आप इंडिया का रूट जो ढूंढा था दैट वॉज डन बाय पोर्चुगीज नेविगेटर वास्को डी गामा, और पहली बार इंडिया पे कहाँ पे आया, वो कैलीकट में. ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये आपको ध्यान रखनी है. सो इस तरीके से जो है, इसलिए यूरोपियंस ने जो है एक नया रूट लेने की सोची और इस तरीके से यूरोपियंस जो हैं वो इंडिया में आए. सो व्हेन ही अराइव्ड एट कैलीकट, तो वहाँ का जो हिंदू किंग था जमोरिन, ही गेव अ वेरी वार्म वेलकम टू द वास्को डी गामा. लेकिन जो पोर्चुगीज थे उन्होंने जमोरिन की हॉस्पिटैलिटी का फ़ायदा उठाया और उन्होंने जो है अटैक कर दिया जमोरिन पे 2 टाइम्स, ठीक है. लेकिन बोथ द टाइम्स दैट अटैक फेल्ड. उसके बाद 1509 में अल्फोंसो डी एल्बुकर्क, सो ही केम टू इंडिया एज द पोर्चुगीज गवर्नर. ये आपको नाम ध्यान रखना है कि सबसे पहले पोर्चुगीज गवर्नर कौन आया इंडिया में. सो 1509 से 1515 तक ही वॉज पोर्चुगीज गवर्नर. देन जो भी इंडिया में उस टाइम पर इंटरनल राइवलरीज थी, तो इसके बारे में जो 15th सेंचुरी और 16th सेंचुरी की जो स्टार्ट है, मैंने आपको बताया था इस टाइम पर बहुत ही अनस्टेबिलिटी थी अगर हम
सारी डायनेस्टीज और जो भी किंगडम्स रूल कर रही थी इंडिया पे, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा इंटरनल राइवलरीज भी थी, और इसी का फ़ायदा उठा के पोर्चुगीज़ जो हैं उन्होंने गोवा को कैप्चर कर लिया 1510 में। ये आपको टाइम पीरियड ध्यान रखना है। जो गोवा उस टाइम पर किसके कंट्रोल में था इससे पहले, तो बीजापुर का कंट्रोल था उस पर, लेकिन 1510 में पोर्चुगीज़ ने कैप्चर कर लिया एंड देन दे स्टार्टेड प्रोपगेटिंग क्रिश्चियनिटी देयर, और साथ साथ में उन्होंने अपने ट्रेडिंग इंटरेस्ट को भी एक्सपेंड करना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से जो है पोर्चुगीज़ के एंटर हुआ इंडिया में। देन डच आए, सो जो इंडिया से जो ट्रेड करते थे यूरोपियन पावर्स उससे उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता था। इवन जो भी उनकी वोयाज की कॉस्ट होती थी उससे 50-60 टाइम्स जो है उनको प्रॉफिट होता था, जो भी वो सामान उसको यूरोपियन मार्केट में जाके बेचते थे। तो इसी हैविली प्रॉफिटेबल ट्रेड की वजह से और भी अदर कंट्रीज़ जो हैं यूरोप की, वो भी इंडिया के साथ ट्रेड करने में अट्रैक्ट हो गई, और इसीलिए 1602 में हॉलैंड की बहुत सारी स्मॉल कंपनीज ने मिलके एक डच ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई एंड देन दे सेंट अ पावरफुल फ्लीट टू द ईस्ट। ठीक है, उन्होंने भी फिर ईस्ट की तरफ जो है अपनी एक फ्लीट भेजी, सो दैट वो भी इंडिया के साथ जो है और जो ईस्टर्न और भी जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ ट्रेड इस्टेब्लिश कर सकें। सो जब डच पावर जो है वो इंडिया में आई तो उनका कन्फ्रंटेशन किससे हुआ? पोर्चुगीज़ से, जो ऑलरेडी अवेलेबल थे इंडिया में। ठीक है, कहाँ पर? नियर बंताम इन विच द डच वॉन। ठीक है, इन 1609 द डच ऑल्सो कैप्चर्ड अम्बोयना, वन ऑफ द स्पाइस आइलैंड्स फ्रॉम द पोर्चुगीज। तो इस तरीके से डच ने जो है, डच पावर बाद में आई थी लेकिन दे ओवर पावर्ड ओवर द पोर्चुगीज पावर। उसके बाद व्हेन दे डिफीटेड द पोर्चुगीज पावर, उनका ध्यान किसकी तरफ गया? इंग्लिश की तरफ गया। इसलिए एंग्लो डच कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो कंटिन्यू होते रहे। अब हम पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ पर जो है डच ने अपने ट्रेडिंग डिपोर्ट्स को इस्टेब्लिश किया था। सो इट वॉज एट सूरत, ब्रॉच कैम्बे, अहमदाबाद, कोचिन, मसूलीपट्टम, चिंसुरा एंड पट्टम। लेकिन सबसे पहले जो फैक्ट्री इस्टेब्लिश की थी डच ने, दैट वॉज इन द पुलिकट। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। लेकिन धीरे धीरे जो है डच पावर जो है दे लॉस देयर इन्फ्लुएंस इन दी साउथ एशिया और इंडिया स्पेसिफिकली। वाई? बिकॉज ऑफ द ग्रोइंग इन्फ्लुएंस इन द ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ द डच गवर्नमेंट इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ द कंपनी। तो जो डच गवर्नमेंट है वो जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके इंटरनल अफेयर्स में दे स्टार्टेड इन्फ्लुएंसिंग। इसी की वजह से जो है डच पावर धीरे धीरे इंडिया में उसका इन्फ्लुएंस कम हो गया। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पावर आती है, दैट इज ब्रिटिशर्स। सो ब्रिटिशर्स ने इंडिया में अराउंड 300 ईयर्स तक रूल किया। सो ब्रिटिशर्स जो हैं इंडिया में, सो क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट जो थी उस टाइम पर, शी ग्रांटेड अ चार्टर टू ईस्ट इंडिया कंपनी। कब? ऑन 31 दिसंबर 1600। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेट है। 31 दिसंबर 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर मिला, क्या? कि वो जो है एक्सक्लूसिवली जो ईस्ट का एरिया है, यानी जो ईस्ट जो है वो इंडिया और इंडियन सब कॉन्टिनेंट को बोला जाता था, सो उनके साथ वो ट्रेड इस्टेब्लिश कर सकते हैं। और इसी तरीके से 1613 में इंग्लिश कंपनी जो है दे वॉज गिवन परमिशन टू सेट अप अ फैक्ट्री एट सूरत। ठीक है, और ये परमिशन किसने दी थी? ये परमिशन दी थी जहांगीर। सो ही नेवर न्यू कि इतनी बड़ी पावर इस्टेब्लिश हो जाएगी, ब्रिटिशर्स जो है इतना बड़ा एम्पायर इस्टेब्लिश कर लेंगे। सो जहांगीर गेव द परमिशन टू इंग्लिश कंपनी टू सेट अप अ फैक्ट्री एट सूरत, और साथ में एक और परमिशन मिली टू पोस्ट एन एम्बेसडर इन द मुगल कोर्ट। सो उस टाइम पर मुगल कोर्ट का किंग कौन था? दैट वॉज जहांगीर। सो 1613 में सबसे पहले फैक्ट्री इस्टेब्लिश हुई इंग्लिश जो ब्रिटिशर्स ने की, एंड दैट वॉज एट सूरत। उसके बाद 1615 में जो किंग जेम्स फर्स्ट वॉज द किंग ऑफ इंग्लैंड एट दिस टाइम, सो ही सेंट हिज एम्बेसडर सर थॉमस रो टू द कोर्ट ऑफ जहांगीर, हु रिक्वेस्टेड फॉर परमिशन ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी टू ओपन इट्स फैक्ट्री इन इंडिया। देन 1633 में एक फैक्ट्री इस्टेब्लिश की गई मसूलीपट्टम में। देन 1640 में पहला जो फोर्ट है जो कंस्ट्रक्ट किया गया, दैट वॉज फोर्ट सेंट जॉर्ज, और कहाँ इस्टेब्लिश किया गया था? ये मद्रास में। कब? 1640 में। एंड इन 1642 उसके बाद एक बैंगलोर में भी एक फैक्ट्री को ओपन किया गया। तो मैं आपके साथ जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जिनसे जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपीएससी में, उन सभी को डिस्कशन कर रही हूँ बहुत ही ब्रीफ में। एंड देन द कंपनी गॉट बॉम्बे इन 1668 फ्रॉम चार्ल्स टू, दैट वॉज द किंग ऑफ इंग्लैंड एट दैट टाइम। और चार्ल्स टू को बॉम्बे कैसे मिला था? कि पोर्चुगल प्रिंसेस से शादी की थी चार्ल्स टू ने, तो उसी से एज अ गिफ्ट और एज अ डाउरी चार्ल्स टू को बॉम्बे दिया था बाय द पोर्चुगीज पावर्स। कब? और उसको फिर चार्ल्स टू ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया इन 1668।
तो अगर हम यहाँ से देखें तो सूरत में उनकी फैक्ट्री स्टैब्लिश हो गई, मसूलीपट्टनम में हो गई, मद्रास में 1640 में एक फोर्ट बनाया गया, देन बेंगलोर में फैक्ट्री ओपन कर दी गई और 1668 में बॉम्बे वाला एरिया भी मिल गया। सिमिलरली इन 1651 में हुगली में भी एक फैक्ट्री इस्टेब्लिश की गई और बाद में बहुत सारी सेवरल फैक्ट्री इस्टेब्लिश की गई कैलकटा, कासिम बाज़ार, इन सारे एरियाज़ में। तो इस तरीके से जो है ब्रिटिशर्स की एंट्री हुई इंडिया में, और उसके बाद सबसे लास्ट में जो यूरोपियन पावर्स की एंट्री हुई इंडिया में, दैट वॉज द फ्रेंच। सो फ्रेंच किस तरीके से इनका इस्टेब्लिशमेंट हुआ उसके बारे में हम जानेंगे। सो फ्रेंच वर द लास्ट टू अराइव इन इंडिया। सो टू मेजर फ्रेंच ट्रेडिंग पोस्ट वर पॉन्डिचेरी, दैट वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1674 बाय फ्रेंसिस मार्टिन, और उसके अलावा दूसरी कौन सी थी, इट वॉज चंद्रनागौर, फ्रॉम वेयर मोस्टली कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल वर एक्सपोर्टेड। लेकिन ये जो दोनों हैं, दिस कुड सॉरी जो सिल्क टेक्सटाइल है का ये जो ट्रेड है, दिस कुड नॉट सर्वाइव ड्यू टू यूरोपियन राइवलरीज, ठीक है, उसके बाद। और ये जो फ्रेंच पावर है ये दिस कुड नॉट सर्वाइव ड्यू टू और भी जो यूरोपियन पावर्स थे इंडिया में। उसके बाद जो फ्रेंच कंपनी है उसने अपने आप को फिर से रीस्टैब्लिश किया, कब, 1720 में। उसके बाद दे एक्सटेंडेड देयर इन्फ्लुएंस ओवर मॉरिशस इन 1721 एंड माहे ऑन द मालाबार कोस्ट इन 1724। तो इंडिया के साथ साथ जो है इन्होंने और भी जो नेबरिंग कंट्रीज थी इंडिया में वहाँ पर भी अपना अथॉरिटी इस्टैब्लिश की। लेकिन जो ड्यूप्ले एज गवर्नर ऑफ पॉन्डिचेरी आया कब, 1742 में। ही वॉज द फर्स्ट फ्रेंच गवर्नर जिसने जो इंडिया और भी जो स्टेट्स थे और भी जो रूलर्स थे उनके साथ जो है कन्फ्लिक्ट में पार्टिसिपेट करना शुरू किया, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सो ड्यूप्ले के गवर्नर बनने के बाद ही फ्रेंच कंपनी अगेन गॉट एंटेंगल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ओवर सेवरल इश्यूज। तो इस तरीके से जो है फ्रेंच की एंट्री हुई। सो वी हैव रेड अबाउट पोर्चुगीज, डच, देन ब्रिटिश एंड देन फ्रेंच। अब हम पढ़ेंगे कि एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल जो है इंडिया में, इंग्लिश जो ब्रिटिश पावर थी और जो फ्रेंच पावर थी उनके बीच बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स हुई थी। किस वजह से, पावर के वजह से, ठीक है। तो उनके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है आपके पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो फ्रेंच एंड इंग्लिश वर लॉक्ड इन अ स्ट्रगल फॉर इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फॉर्च्यून इन इंडिया, जो कि दैट अनफोल्डेड इन द फॉर्म ऑफ थ्री कर्नाटिक वॉर्स। तो तीन कर्नाटिक वॉर्स के फॉर्म में जो है इंग्लिश और फ्रेंच पावर्स में स्ट्रगल हुआ था, कब, 1740 से 1763 के बीच में। तो ये टाइम पीरियड आपको ध्यान रखना है। तो इन 13 ईयर्स में, इन 23 ईयर्स में जो है इंग्लिश और फ्रेंच पावर्स के बीच तीन मेजर वॉर हुई, विच वॉज दी कर्नाटिक वॉर्स। तो पहली कर्नाटिक वॉर हुई थी 1746 से 48 के बीच में। सो इसका कॉज क्या था कि उस टाइम पर जो है ऑस्ट्रिया जो है कंट्री यूरोप में, उस पर कौन उसके थ्रोन पे रॉयल कैंडिडेट बैठेगा, इसके बीच जो है फ्रेंच और इंग्लिश जो है दोनों चाहते थे कि दे वांटेड टू प्लेस देयर ओन रॉयल कैंडिडेट ऑन द थ्रोन ऑफ ऑस्ट्रिया, ठीक है। इसी की वजह से उन दोनों में टेंशन थी वहाँ पर भी, तो वही टेंशन जो है रिफ्लेक्ट हो रही थी इंडिया में भी। सो दे ऑल्सो दे बोथ फॉट ओवर द एक्सपेंशन ऑफ कॉलोनीज इन अमेरिका। तो इंडिया के साथ साथ जो है अमेरिका में भी वो अपनी कॉलोनीज को एक्सपेंड करने का ट्राई कर रहे थे, और उसी की वजह से वहाँ पे भी उनमें स्ट्रगल थी और वो भी रिफ्लेक्ट हो रही थी इंडिया में भी। साथ में इन द वेक ऑफ डिक्लाइनिंग मुगल अथॉरिटी, बोथ वॉन्टेड टू हैव कंट्रोल ओवर द इंडियन ट्रेड। सो दीज वर द कॉसेज ऑफ फर्स्ट कर्नाटिक वॉर। इसका रिजल्ट क्या निकला कि वॉर ऑफ सक्सेशन जो हो रही थी ऑस्ट्रिया में कि कौन थ्रोन पर बैठेगा, व्हेन दैट एंडेड तो फर्स्ट कर्नाटिक वॉर आल्सो केम टू एंड, क्योंकि वही एक मेजर रीज़न था उन दोनों के बीच स्ट्रगल का। साथ में ट्रीटी हुई एक्सला चपेल की 1748 में, मद्रास वॉज गिवन बैक टू द ब्रिटिश इन एक्सचेंज फॉर द फ्रेंच फोर्ट्रेस ऑफ लुइसबर्ग इन नॉर्थ अमेरिका। तो ब्रिटिशर्स को जो है मद्रास दे दिया गया, किसके एक्सचेंज में, फ्रेंच फोर्ट्रेस लुइसबर्ग जो कि नॉर्थ अमेरिका में थी, जो कि ब्रिटिशर्स ने कैप्चर कर ली थी। तो इस तरीके से हुई। उसके साथ साथ द वॉर वॉज प्रिंसिपल नोटेबल इन इंडिया एज द फर्स्ट मिलिट्री एक्सपीरियंस ऑफ रॉबर्ट क्लाइव। सो लॉर्ड क्लाइव वेरी इंपॉर्टेंट जो है गवर्नर रहा है वो बाद में इंडिया का। सो ये जो वॉर थी दैट वॉज द फर्स्ट मिलिट्री एक्सपीरियंस ऑफ रॉबर्ट क्लाइव, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है फर्स्ट कर्नाटिक वॉर। सो हु वॉज टेकन प्रिजनर एट मद्रास, लेकिन बाद में ही मैनेज टू एस्केप, एंड देन हु देन पार्टिसिपेटेड इन द डिफेंस ऑफ कडलोर एंड द सीज ऑफ पॉन्डिचेरी। तो इस तरीके से जो है पहली कर्नाटिक वॉर हुई। उसके बाद सेकेंड कर्नाटिक वॉर हुई 1749 से 1754 के बीच में।
तो यूरोप में जो है स्टेट ऑफ वॉर एग्जिस्ट नहीं करता था, लेकिन उसकी की जो प्रॉक्सी वॉर है दैट कंटिन्यूड इन इंडिया. तो एक साइड में कौन कौन था, नासिर जंग निज़ाम एंड हिज प्रोटेजे मोहम्मद अली, ठीक है, दे वर सपोर्टेड बाय द ब्रिटिश जो जिन्होंने सेकेंड कर्नाटिक वॉर में पार्टिसिपेट किया. और दूसरी तरफ कौन था, चंदा साहेब एंड मुजफ्फर जंग सपोर्टेड बाय फ्रेंच वाइंग टू बिकम द नवाब ऑफ आर्कोट. तो जो आर्कोट वाला एरिया है उसके नवाब बनने पर बहुत ज़्यादा जो है उसके थ्रोन के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हुआ. तो जो रूलर्स और जो किंग्स जो हैं आपस में फाइट कर रहे थे उन्हीं को ही सपोर्ट करना शुरू कर दिया इंग्लिश ने और फ्रेंच ने, सो दैट दे कैन विन देयर सपोर्ट ओवर दोज रूलर्स और बाद में जो है वो अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड कर सकें. तो एक तरफ इंग्लिश थे जिनके साइड थे नासिर जंग निज़ाम और प्रोटेजे मोहम्मद अली, और दूसरी तरफ वॉज चंदा साहेब एंड मुजफ्फर जंग विच वर सपोर्टेड बाय फ्रेंच. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपको ध्यान रखना है. सो मुजफ्फर जंग एंड चंदा साहेब वर एबल टू कैप्चर आर्कोट, जो जिनको कौन सपोर्ट कर रहे थे, फ्रेंच सपोर्ट कर रहे थे. वाइल नासिर जंग सब्सिक्वेंट डेथ अलाउड मुजफ्फर जंग टू टेक कंट्रोल ऑफ हैदराबाद. तो आर्कोट के साथ साथ जो है उन्होंने हैदराबाद का भी कंट्रोल कर लिया. और सेकेंड कर्नाटिक वॉर एंड कैसे हुई, इट वॉज एंडेड विद द ट्रीटी ऑफ पॉन्डिचेरी. कब साइन की गई थी, 1754 में. इससे क्या हुआ, मोहम्मद अली खान वाला जो था ही वॉज रिकग्नाइज एज द नवाब ऑफ द कर्नाटिक, और जो चार्ल्स गॉडेह्यू था ही रिप्लेस ड्यूप्ले एज द गवर्नर हु डाइड इन पावर्टी बैक इन फ्रांस. तो ड्यूप्ले जो है वो गवर्नर नहीं रहा, चार्ल्स गॉडेह्यू बिकेम द गवर्नर. और ट्रीटी ऑफ पॉन्डिचेरी से सेकेंड कर्नाटिक वॉर का एंड हुआ, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखना है. देन थर्ड कर्नाटिक वॉर हुई थी 1756 से 1763 के बीच में. तो जो 7 ईयर्स वॉर हुई थी यूरोप में, जिसका स्टार्ट कब हुआ, इन 1756, दैट रिजल्टेड इन रिन्यूड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फ्रेंच एंड ब्रिटिश फोर्सेज इन इंडिया. तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखनी ही रखनी है कि जब भी यूरोप में फ्रेंच और ब्रिटिश पावर्स के बीच टेंशन होती थी दैट यूज़ टू गेट रिफ्लेक्टेड इन इंडिया एज वेल. तो कहीं भी और भी लड़ाई होती थी तो इंडिया में भी उनके बीच स्ट्रगल जो है इंक्रीज हो जाती थी. सो थर्ड कर्नाटिक वॉर जो है दैट ऑल्सो स्प्रेड बियॉन्ड साउदर्न इंडिया एंड इन टू बंगाल, ठीक है, बंगाल तक जो है थर्ड कर्नाटिक वॉर का स्प्रेड हो गया. वे ब्रिटिश फोर्सेस कैप्चर्ड द फ्रेंच सेटलमेंट ऑफ चंद्रनागौर इन 1757. तो 1757 में चंद्रनागौर पर जो है ब्रिटिश ने अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश कर लिया था. लेकिन वॉर का जो डिसीजन हुआ उसमें ये हुआ था कि वॉर वॉज डिसाइडेड इन द साउथ वे ब्रिटिश सक्सेसफुली डिफेंडेड मद्रास. तो मद्रास जो है वो ब्रिटिशर्स के पास था, सो ब्रिटिश उसको डिफेंड करने में सक्सेसफुल रहे. एंड सर एयर कूट डिसाइसिवली डिफीटेड द फ्रेंच कमांडेड बाय कॉम्टे डी लैली एट द बैटल ऑफ वॉन्डेवॉशन 1760. तो 1760 में एक बैटल हुई, बहुत ज़्यादा फेमस बैटल है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेशली, दैट वॉज कॉल्ड द बैटल ऑफ वॉन्डेवॉश. किस किस के बीच हुई, ब्रिटिश और फ्रेंच पावर्स के बीच हुई थी. सो ब्रिटिश पावर वॉज लेड बाय सर एयरकूट, ठीक है, एंड द ब्रिटिश सॉरी फ्रेंच पावर वॉज लेड बाय कॉम्टे डी लैली. और इसमें जो है ब्रिटिशर्स ने जो है फ्रेंच को डिफीट कर दिया था. कब हुई थी, 1760 में हुई थी बैटल ऑफ वॉन्डेवॉश. आफ्टर द बैटल ऑफ वॉन्डेवॉश द फ्रेंच कैपिटल ऑफ पॉन्डिचेरी फेल टू द ब्रिटिश इन 1761. तो पॉन्डिचेरी जो है 1761 तक पोर्चुगीज फ्रेंच के पास था, लेकिन ब्रिटिशर्स ने जो है 1761 में पौंडीचेरी पर अपना कंट्रोल स्टैब्लिश कर लिया. एंड दिस वॉर कंक्लूडेड विद द साइनिंग ऑफ ट्रीटी ऑफ पेरिस इन 1763, जिसके अंडर क्या हुआ, चंद्रनागौर वाला जो एरिया है और पौंडीचेरी वो फ्रांस को दोबारा लौटा दिया गया. एंड फ्रेंच वर अलाउड टू हैव फैक्ट्रीज इन इंडिया, लेकिन दे वर फॉरबिडेड फ्रेंच ट्रेडर्स फ्रॉम एडमिनिस्ट्रिंग दैम. तो फैक्ट्रीज जो थी वो फ्रेंच को पावर थी कि दे कैन इस्टेब्लिश देयर और ट्रेडिंग पोस्ट इन इंडिया, लेकिन उनको एडमिनिस्टर करने की पावर जो थी वो ब्रिटिशर्स के पास थी. तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि फ्रेंच का जो है किस तरीके से डिग्रेडेशन हुआ इंडिया में, उनकी जो भी पोलिटिकल पावर्स थी वो सब जो है वीक होती चली गई, और जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने अपना इन्फ्लुएंस स्टैब्लिश करना शुरू कर दिया ओवर दी फ्रेंच पावर्स. एंड बाद में द फ्रेंच अग्रीड टू सपोर्ट ब्रिटिश क्लाइंट governments, thus ending French ambitions of any Indian empire and making the British the dominant foreign power in इंडिया. सो थर्ड कर्नाटिक वॉर के बाद जो है ब्रिटिशर्स की जो डोमिनेंट पावर है इंडिया में, जहाँ से सिर्फ ब्रिटिशर्स ही रूल करेंगे इंडिया में, दैट हैपेंड आफ्टर दी थर्ड कर्नाटिक वॉर, ध्यान रखना है आपको. और ये सारा जो कि थर्ड कर्नाटिक वॉर में क्या क्या हुआ था, इन तीनों में से थर्ड वाली इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज इसमें बैटल ऑफ वॉन्डेवॉश भी हुई थी और इसी के बाद से ब्रिटिश की डोमिनेंस एस्टैब्लिश हो गई थी ओवर दी इंडिया.
देन अब हम देखेंगे कि ब्रिटिशर्स ने जो है बंगाल वाला जो एरिया है उसको कैसे कॉन्क्वेस्ट किया. सो बंगाल का, जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि बंगाल का एरिया जो है उसको बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना जाता था, तो इसीलिए जो एम्परर होता था, मुगल एम्परर जो होता था, ही यूज़ टू ऐसे करके वहाँ पे जो भी दीवान होता था या वहाँ का जो भी रूलर था, वो ब्रिटिशर सॉरी मुगल एम्परर जो है वो उसको डायरेक्ट एम्प्लॉय करता था. तो इसीलिए बंगाल की बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस थी उस टाइम पर. तो ब्रिटिशर्स ने जो है किस तरीके से कॉन्क्विस्ट किया बंगाल वाले एरिया को. सो मैंने आपको बता दिया था कि नवाब सिराज उद दौला तक, ठीक है, उससे पहले कौन कौन थे बंगाल के, वो मैंने आपको इससे प्रीवियस लेक्चर में डिस्कशन किया है. अगर आपने नहीं देखा है तो यू मस्ट वॉच दैट बिफोर, उसके बाद जो है आप ये देखो. सो नवाब सिराज उद दौला जो था उसके टाइम पर जो है बहुत सारी पॉलिटिकल सर्कमस्टेंसेस जो थी वो चेंज हो रही थी, इसीलिए उसको ऐसा लग रहा था कि जो ब्रिटिशर्स हैं उनका इन्फ्लुएंस उस एरिया में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है. इसीलिए फोर्ट विलियम्स जो कि फोर्ट था ब्रिटिशर्स ने इस्टेब्लिश किया था, कहाँ पर, कोलकाता में. सो नवाब सिराज उद्दौला ने जो है फोर्ट विलियम को सीज कर लिया 1756 में, और उसने क्या कहा, ब्रिटिशर्स को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया. तो उसके बाद क्या हुआ, इंग्लिश ऑफिशियल्स हैव टू लेफ्ट फ्रॉम द लीव फ्रॉम द फोर्ट एंड दे टुक शेल्टर एट अ प्लेस कॉल्ड फुलटा. लेकिन क्या हुआ, ब्रिटिश केप्ट कंस्पायरिंग अगेंस्ट द नवाब. नवाब ने उनको वहाँ से भगा दिया था. स्टिल दे कंस्पायरिंग अगेंस्ट द नवाब, कैसे, कि नवाब के जो कोर्ट में मेन कोर्टियर्स थे, इन्फ्लुएंशियल पर्सन थे, जैसे कौन कौन, जैसे नवाब का कमांडर इन चीफ था मीर जाफर, द नवाब ऑफ कैलकटा मानिक चंद, अ वेल्दी मर्चेंट आमी चंद, द चीफ मनी लेंडर जगत सेठ एंड मेजर आर्मी ऑफिशियल खादिम खान. तो जो जो इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स थे, जो भी इंपॉर्टेंट पर्सन थे नवाब के कोर्ट में, उन सभी को जो है ब्रिटिशर्स ने अपने इन्फ्लुएंस में ले लिया और अपनी साइड कर लिया, ठीक है. उसके बाद बैटल ऑफ प्लासी हुई 1757 में, किसके बीच, नवाब सिराज उद्दौला के बीच और ब्रिटिश फोर्सेस के बीच. लेकिन जो भी नवाब के इंपॉर्टेंट कमांडर इन चीफ थे, आर्मी ऑफिशियल्स थे, वो सब जो है ब्रिटिशर्स की साइड थे, इसी की वजह से जो है, और साथ में जो कमांडर इन चीफ था मीर जाफर, जिसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है बैटल ऑफ प्लासी में, सो ही वॉज द कमांडर इन चीफ ऑफ नवाब सिराज उद्दौला, बट ही हेल्प द ब्रिटिश इन दिस वॉर. इसी की वजह से जो है सिराजुद्दौला वॉज डिफीटेड एंड ही वॉज कैप्चर्ड एंड पुट टू डेथ. सो बैटल ऑफ प्लासी जो है उसके बाद ब्रिटिश फोर्सेज जो हैं उनका इन्फ्लुएंस स्टैब्लिश हो गया था बंगाल में. लेकिन मीर जाफर जो है उसने ब्रिटिशर्स की हेल्प क्यों की थी, बिकॉज ब्रिटिशर्स ने बोला था कि इफ़ यू हेल्प अस तो वी विल मेक यू द नवाब ऑफ बंगाल. तो सिराजुद्दौला के बाद जो है मीर जाफर बंगाल का नवाब बन गया, और इसके बदले में उसने ब्रिटिशर्स को रिवॉर्ड किया, जैसे बाय द ग्रांट ऑफ 24 परगनाज जो ब्रिटिशर्स को दिए गए. इसके साथ साथ ही ऑल्सो गिफ्टेड अ लार्ज अमाउंट इन कैश टू लॉर्ड क्लाइव एंड 50 लाख रुपीज़ इन रिवॉर्ड टू द आर्मी. तो इतना सारा पैसा, 24 परगनास की ग्रांट, ये सब जो है ब्रिटिशर्स को दे दी गई थी, जिसकी वजह से बंगाल की जो ट्रेजरी थी वो धीरे धीरे एम्प्टी होना शुरू हो गई. और जब ट्रेजरी एम्प्टी होना शुरू हो गई तो पूरा जो एरिया था वहाँ लोगों को, जो रूलर है वो कुछ हेल्प नहीं कर पा रहा था, इसी वजह से जो है रिवोल्ट होना शुरू हो गई मीर जाफर के अगेंस्ट, ठीक है. और इसी अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा के ब्रिटिश एम्पायर जो है उसने, जो मीर जाफर का सन इन लॉ था मीर कासिम, उसको जो है थ्रोन पर बिठा दिया. ही बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल. लेकिन जो मीर कासिम था उसने जो है देखा कि मीर जाफर के अगेंस्ट जो है बहुत ज़्यादा रिवोल्ट हो गई थी, तो इसलिए उसने इस अपॉर्चुनिटी से, इससे कुछ लर्निंग ली और उसने जो है बंगाल के लिए अच्छा करना शुरू कर दिया. उसने ब्रिटिशर्स का जो ट्रेड था उस पर भी बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगा दी, और जो है ब्रिटिशर्स का इन्फ्लुएंस उस पर कम था, इसलिए ही स्टार्टेड वर्किंग फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल. लेकिन दिस केम इन कॉन्फ्लिक्ट विद द कंपनी, ठीक है. इसी वजह से जो है मीर कासिम को बहुत ज़्यादा सेवरल बैटल्स जो हुई थी उसमें भी डिफीट फेस करनी पड़ी थी. इसके बाद जो है ब्रिटिशर्स ने मीर कासिम को हटा दिया और फिर से जो है मीर जाफर को नवाब बना दिया. तो ये टाइमलाइन आपको आई होप समझ आ रही होगी, क्योंकि पहले सिराजुद्दौला था, देन बैटल ऑफ प्लासी हुई, सिराजुद्दौला वॉज पुट टू डेथ, देन मीर जाफर को बना दिया गया, लेकिन लोगों ने उसके अगेंस्ट रिवोल्ट कर दिया, तो फिर उसके सन इन लॉ मीर कासिम को बना दिया. लेकिन मीर कासिम के साथ जो है ब्रिटिश कंपनी के कन्फ्लिक्ट थे इंटरनल, इसलिए मीर कासिम को हटा के फिर से मीर जाफर को बना दिया. सो जो मीर कासिम था ही रैन अवे, और उसने फिर शुजाउद्दौला जो कि अवध का रूलर था उस टाइम पर, मैंने आपके साथ डिस्कशन किया था इससे प्रीवियस लेक्चर में, और शाह आलम सेकंड हु वाज द मुगल एम्परर एट दैट टाइम. सो शुजाउद्दौला और शाह आलम के साथ मिल गया मीर कासिम एंड देन दे स्टार्टेड प्लॉटिंग अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स.
देन बैटल ऑफ बक्सर हुई किस किस के बीच, कि मीर कासिम शुजाउद्दौला और शाह आलम सेकेंड जो मैंने आपको बताया था, ये तीनों एक तरफ थे और इन्होंने जो है ब्रिटिश फोर्सेस के अगेंस्ट बैटल की, विच वॉज लेड बाय हेक्टर मुनरो, ठीक है। और बैटल ऑफ बक्सर कब हुई, 22 अक्टूबर 1764 में इन दोनों फोर्सेस के बीच। इसका रिजल्ट क्या निकला, इट प्रूव टू बी अ डिसाइसिव रिजल्टिंग इन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश सोवरेनिटी इन बंगाल। तो ये जो फोर्सेज हैं दीज वर डिफीटेड और बंगाल में जो है ब्रिटिश सोवरेनिटी इस्टैब्लिश हो गई आफ्टर दिस। अब हम जानेंगे एक और इम्पॉर्टेंट ट्रीटी हुई थी, दैट वॉज ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद। तो इसमें क्या हुआ था कि उस टाइम पर लॉर्ड क्लाइव जो था ही वॉज मेड द गवर्नर ऑफ बंगाल, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि बैटल ऑफ बक्सर के बाद जो है ब्रिटिशर्स की सोवरेनिटी इस्टेब्लिश हुई थी, तो और जो रूलर्स थे जैसे शुजाउद्दौला था, शाह आलम सेकेंड, उनका क्या हुआ। सो लॉर्ड क्लाइव जो है उसने शुजाउद्दौला और शाह आलम के साथ एक ट्रीटी की जिसको अलाहाबाद की ट्रीटी बोला जाता है। सो इस ट्रीटी के अंदर क्या हुआ, ब्रिटिश गॉट द राइट ऑफ फ्री ट्रेड इन अवध, ठीक है, एंड देवर ऑल्सो अलाइड टू कीप अ ब्रिटिश आर्मी एट द एक्सपेंस ऑफ द नवाब ऑफ अवध। तो ये ट्रीटी हुई शुजाउद्दौला के साथ, हु वॉज द रूलर ऑफ अवध एट दैट टाइम। देन शाह आलम के साथ क्या हुआ, शाह आलम सेकेंड गॉट द डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोरा एंड अलाहाबाद, ठीक है, और इसके बदले में ही वॉज ऑल्सो गिवेन एन एनुअल पेंशन ऑफ 26 लाख रुपीज़, ठीक है, उसको 26 लाख रुपीज़ की जो है एनुअल पेंशन दी जाती थी। तो इस तरीके से जो है शाह आलम का सेटलमेंट हो गया और इसके फेवर में, इसके रिटर्न में शाह आलम जो है बंगाल और बिहार और उड़ीसा की जो दीवानी है उसने वो ब्रिटिशर्स को दे दी। सो बैटल ऑफ बक्सर का एक रिजल्ट ये भी है कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जो दीवानी थी वो ब्रिटिशर्स को मिल गई थी। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। सो इस तरीके से जो है जो बंगाल का कंक्वेस्ट हुआ बाय दी ब्रिटिशर्स, तो अब बंगाल के ऊपर ब्रिटिश सोवरेनिटी इस्टेब्लिश हो गई आफ्टर दी बैटल ऑफ बक्सर, दैट इज इन 1764। तो टाइम पीरियड आपको ध्यान रखना इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद अब हम देखेंगे कि जो ब्रिटिशर्स हैं, तो ये तो सब कुछ हो रहा था नॉर्थ इंडिया में, लेकिन जो साउथ इंडियन वाला पार्ट है, जो वेस्टर्न वाला पार्ट है, जहाँ पर क्या थी, मराठा पावर इस्टेब्लिश थी। तो जो मैंने आपको मराठास के बारे में पढ़ाया था, सो मराठास इमर्ज्ड एज अ वेरी ग्रेट एम्पायर, ठीक है। तो उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि बालाजी बाजी राव तक उन्होंने किस तरीके से जो है राजपूत वाले एरियाज पर भी कंट्रोल कर लिया था, दिल्ली वाले एरिया पर भी कंट्रोल कर लिया था। तो इस तरीके से मराठा एम्पायर कैसे एक्सपेंड हुआ था, लेकिन मराठाज इंपॉर्टेंट पावर थी, उसके साथ साथ ब्रिटिशर्स का भी इन्फ्लुएंस इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। सो इट्स ऑब्वियस कि ब्रिटिशर्स और मराठाज के बीच जो है कन्फ्लिक्ट होना शुरू हो गया, वॉर होना शुरू हो गई। सो उसके बारे में अब हम जानेंगे कि बालाजी बाजीराव तक मैंने आपको पढ़ा दिया था मराठा एम्पायर वाले लेक्चर में। सो आफ्टर द डेथ ऑफ बालाजी बाजीराव, माधव राव बिकेम द फोर्थ पेशवा, बट ही वॉज माइनर एट दैट टाइम, इसलिए हिज अंकल रघुनाथ राव वॉज मेड हिज कस्टोडियन। सो माधव राव ट्राई टू स्ट्रेंथन एंड रीऑर्गेनाइज द मराठा पावर, लेकिन जो है ही डाइड ऑफ ट्यूबरक्लोसिस एट अ वेरी अर्ली एज, यानी सिर्फ 27 ईयर्स ओल्ड की एज में ही माधव राव की डेथ हो गई। अब हम देखेंगे कि किस तरीके से जो है एंग्लो मराठा वॉर हुई। सो पहली एंग्लो मराठा वॉर हुई 1775 से 1782 के बीच में। तो इसका रीज़न क्या था कि जब माधव राव की डेथ हो गई तो हिज ब्रदर नारायण राव बिकेम द पेशवा, ठीक है, माधव राव के बाद जो है नारायण राव पेशवा बन गया, लेकिन माधव राव का जो कस्टोडियन था दैट इज रघुनाथ राव, ठीक है, ही वॉज द अंकल ऑफ माधव राव, ही वॉन्टेड टू बिकम द पेशवा, इसीलिए उसने जो है इंग्लिश जो पावर्स हैं उनकी हेल्प लेनी शुरू कर दी, सो दैट ही कैन डी थ्रोन द नारायण राव, और रघुनाथ राव वॉन्ट टू बिकम द पेशवा। इसीलिए एक ट्रीटी ऑफ सूरत हुई 1775 में, जिसमें क्या हुआ कि रघुनाथ राव जो है ही सीडेड सालसेट एंड बसीन टू द इंग्लिश, उसने सालसेट और बसीन वाला एरिया जो है इंग्लिश को दे दिया, ब्रिटिश फोर्सेस को दे दिया, और इसके रिटर्न में ही वॉज गिवन 2500 सोल्जर्स। तो इसके बाद जो है ब्रिटिशर्स और जो रघुनाथ राव की आर्मी थी उन्होंने दोनों ने मिलकर जो उस टाइम पर पेशवा था दैट इज़ नारायण राव उस पर अटैक कर दिया एंड दे वॉन, ठीक है। उसके बाद बहुत सारी बैटल हुई विच वर एंडेड बाय द ट्रीटी ऑफ सलबाए वॉज साइंड इन 1782। तो ट्रीटी ऑफ सलबाए हुई 1782 में और इसकी वजह से जो है फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर का एंड हुआ। तो आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर वॉज एंडेड बाय ट्रीटी ऑफ सलबाए इन 1782। इसका रिजल्ट क्या निकला कि जो सालसेट एंड ब्रॉच वाला एरिया जो था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ही था और इंग्लिश एक्सेप्टेड माधव राव सेकेंड जो कि नारायण राव का सन था, ही बिकेम द पेशवा,
ठीक है, तो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर इस तरीके से हुई, देन सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर हुई 1803 से 1805 के बीच में। इसका रीज़न क्या था कि उस टाइम पर जो मराठा कॉन्फेडरेसी थी वो पांच मेजर चीफ्स में डिवाइडेड थी, ये मैंने आपको मैप के थ्रू भी शो किया था। सो जो पेशवा थे देवर एट पुणे, देन गायकवाड्स जो थे वो बड़ौदा में थे, होलकर्स जो थे वो इंदौर में थे, सिंधियाज ग्वालियर में थे और भोंसलेज नागपुर में थे। तो इस तरीके से जो पूरी मराठा कॉन्फेडरेसी है वो पाँच मेजर चीफ्स में डिवाइडेड थी, ठीक है। तो जो बाजीराव सेकंड था जो पेशवा बना बाद में, ही सॉट ब्रिटिश प्रोटेक्शन एंड साइन द ट्रीटी ऑफ बसीन विद देम, ठीक है। उसने जो है ब्रिटिशर्स के साथ जो है ट्रीटी साइन कर ली कि ब्रिटिशर्स प्रोटेक्ट करेंगे मराठास को, और इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग ही सीडेड टेरिटरी टू द ब्रिटिश एंड अग्री टू द मेंटेनेंस ऑफ ब्रिटिश ट्रूप्स देयर। तो बाजीराव सेकंड ने क्या किया कि जो ब्रिटिश ट्रूप्स हैं उनको मेंटेन किया जा सकता है मराठा कॉन्फेडरेसी में, लेकिन ये जो ट्रीटी है दिस वॉज नॉट एक्सेप्टेबल टू द सिंधियाज एज वेल एज टू द भोंसलेज, ठीक है। और यही रीज़न बना एंग्लो मराठा वॉर का 1803 में, और बाद में होलकर्स जो हैं उन्होंने भी बैटल ज्वाइन कर ली थी अगेंस्ट द ब्रिटिश एट अ लेटर स्टेज। तो सिंधियाज भोंसलेज और होलकर्स जो हैं वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट थे, और इन्हीं दो पावर्स के बीच जो है सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर हुई। लेकिन इसका रिजल्ट क्या निकला, ऑल दी मराठा फोर्सेज वर डिफीटेड बाय द ब्रिटिश इन दीज बैटल्स, और इसके रिजल्ट क्या हुआ कि लार्ज पार्ट ऑफ सेंट्रल इंडिया, यानी जो भी पार्ट सिंधियाज भोंसलेज और होलकर्स के कंट्रोल में था, विच वॉज अ वेरी लार्ज पार्ट, दैट केम अंडर द ब्रिटिश कंट्रोल। देन थर्ड एंग्लो मराठा वॉर हुई जो 1817 से 1818 के बीच हुई। इसका कॉज क्या था कि सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर के बाद जो है मराठा की बहुत ज़्यादा बेइज्जती हुई थी बिकॉज दे वर डिफीटेड बाय द ब्रिटिश, इसलिए उन्होंने एक और लास्ट अटेम्प्ट किया टू रीबिल्ड देयर ओल्ड प्रेस्टीज, ठीक है। तो इसके लिए मराठा चीफ पेशवा बाजीराव सेकेंड, मैंने आपको बताया था ही वॉज द बाजीराव एट दैट टाइम, मल्हाव राव होलकर एंड मुधोजी सेकंड भोंसले, इन तीनों ने यूनाइट करके एक फ्रंट बनाया अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, बट द ब्रिटिश विक्ट्री वॉज स्विफ्ट, अगेन ब्रिटिशर्स जो हैं वो जीत गए, एंड दिस वॉज द लास्ट मेजर वॉर फॉट एंड वॉन बाय द ब्रिटिश। तो एंग्लो मराठा वॉर जो है दैट वॉज द लास्ट मेजर वॉर फॉट बाय द ब्रिटिश, उसके बाद जो है ब्रिटिश का मोस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया जो थे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ब्रिटिशर्स का इस तरीके से पूरे मोस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया पे जो है कंट्रोल स्टैब्लिश हो गया था, कब, आफ्टर द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। तो अब आई होप आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से जो है ब्रिटिशर्स ने जो है सारे एरियाज़ पे अपना कंट्रोल कर लिया था, किस तरीके से उन्होंने सारे स्टेट्स को एनेक्स किया, जैसे बंगाल वाला एरिया है, बिहार, उड़ीसा, देन मराठा एम्पायर सबसे स्ट्रॉन्ग पावर थी उस टाइम पर, उनको उसका पूरा एम्पायर भी ब्रिटिशर्स ने एनेक्स कर लिया था आफ्टर दी थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। तो इस तरीके से जो है ब्रिटिशर्स ने अपनी अथॉरिटी स्टैब्लिश की ओवर दी इंडिया। और ये जो मैंने आपको सारे पॉइंट्स बताए हैं ये आपको एक स्टोरी की तरह याद होने चाहिए, आपके दिमाग में टाइमलाइन होनी चाहिए कि पहले क्या हुआ देन क्या हुआ, इस तरीके से पूरा, सो दैट आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो अगर इस टॉपिक से आता है तो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे क्वेश्चन इससे आते हैं। सो अब हम देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं इस टॉपिक से इन दी प्रीवियस ईयर्स। So this question came in the prelims of 2007 and the question is who among the following Europeans were the last to come to pre-independence India traders। तो मैंने आपको बताया था कि इंडिया में सबसे लास्ट जो यूरोपियन पावर आई थी दैट वर द फ्रेंच, सो सी इज द आंसर हियर। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट क्वेश्चन है, ईजी है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द ईयर 1613 वेयर वॉज द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी गिवन परमिशन टू सेट अप अ फैक्ट्री और ट्रेडिंग पोस्ट। तो सबसे पहले जो है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसने कहाँ पर अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश की थी, सूरत में की थी, कब की थी, 1613 में की थी, सो इसलिए हमारा आंसर है ऑप्शन डी। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है कि कौन सा पेयर जो है करेक्टली मैच्ड है। तो हमने अभी बैटल ऑफ वॉन्डीवॉश के बारे में पढ़ा था और उसी में मैंने आपको बताया था कि 1760 में हुई थी बैटल ऑफ वॉन्डीवॉश, किस किस के बीच में, ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि ब्रिटिश फोर्सेस थी और दूसरी तरफ थी फ्रेंच पावर्स, इन दोनों के बीच बैटल ऑफ वॉन्डीवॉश हुई थी। सो हमारा जो है बी जो ऑप्शन है दैट इज करेक्टली मैच्ड। अब हम देखेंगे कि और जो हमारे पास बैटल्स गिवन हैं वो इनकरेक्ट हैं, तो उनका करेक्ट आंसर क्या है। सो बैटल ऑफ बक्सर जो है वो हुई थी, एक तरफ थे मीर कासिम शुजाउद्दौला और शाह आलम सेकंड और दूसरी तरफ थे ब्रिटिशर्स, ये कब हुई थी, 1764 में हुई थी। देन बैटल ऑफ चिलियान वाला जो है वो बहुत बाद में हुई थी, 1849 में हुई थी, किस किस के बीच में, सिख एम्पायर और ब्रिटिश आर्मी के बीच।
ठीक है, उसके बाद बैटल ऑफ खरदा जो है वो 1795 में हुई थी, किस किस के बीच में, निज़ाम ऑफ हैदराबाद एंड माधवराव सेकंड हु वाज़ दी पेशवा ऑफ मराठा एट दैट टाइम। तो इन दोनों के बीच जो है बैटल ऑफ खरदा हुई। ये सारी इंपॉर्टेंट बैटल्स हैं, ध्यान रखनी है। और यहाँ से अब आपको पता चल गया इन सब के बारे में, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, सो क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट फोर्ट कंस्ट्रक्टेड बाय द ब्रिटिश इन इंडिया। तो मैंने आपको बताया था कि पहला जो फोर्ट कंस्ट्रक्ट किया था ब्रिटिशर्स ने वो था फोर्ट सेंट जॉर्ज। ठीक है, कब इस्टैब्लिश हुआ था, 1644 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, मद्रास में। डायरेक्ट मैंने आपको स्लाइड में बताया ही था, दैट्स वाई आर आंसर इज ऑप्शन बी। सो और जो फोर्ट्स गिवेन है उनके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। सो फोर्ट सेंट जॉर्ज मैंने आपको बता दिया 1644 में चेन्नई में इस्टैब्लिश हुआ। देन फोर्ट सेंट डेविड जो है वो पहले मराठास का फोर्ट था, लेकिन मराठास ने जो है इंग्लिश इंडिया कंपनी जो है उसको सोल्ड कर दिया था, कब, 1690 में। तो फोर्ट सेंट डेविड पे इंग्लिश की अथॉरिटी आई 1690 में। देन फोर्ट विलियम जो है दैट वॉज बिल्ट अंडर द सुपरविजन ऑफ सर चार्ल्स एयर एंड दैट वॉज बिल्ट बाय द ब्रिटिश पावर्स इन द ईयर 1700। कहाँ पर था, कोलकाता में। देन फोर्ट सेंट एंजेला जो है इसको कन्नूर फोर्ट भी बोला जाता है। सो दिस फोर्ट वॉज बिल्ट बाय फर्स्ट पोर्चुगीज वाइस रॉय डॉन फ्रांसिस्को डी अल्बेडा एंड इट वॉज कंस्ट्रक्टेड इन द ईयर 1505। तो फोर्ट सेंट जॉर्ज, सेंट डेविड और फोर्ट विलियम जो है इन तीनों पर ब्रिटिशर्स का कंट्रोल था, लेकिन फोर्ट सेंट एंजेलो जो था ये जो है पोर्चुगीज ने इस्टेब्लिश कराया था, कंस्ट्रक्ट करवाया था इन द ईयर 1505। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट यूरोपियन टू इनिशिएट द पॉलिसी ऑफ टेकिंग पार्ट इन द क्वेरल्स ऑफ इंडियन प्रिंसेस विद अ व्यू टू एक्वायर टेरिटरीज। तो हमारे पास जो ऑप्शंस हैं, तो जो लॉर्ड क्लाइव है दैट केम इन द पिक्चर मच लेटर। ठीक है, अगर हम कर्नाटिक वॉर देखें तो उस वो जो है पहला मिलिट्री एक्सपीरियंस था क्लाइव का। सो क्लाइव केम मच लेटर। और वॉरेन हेस्टिंग्स जो है उसको भी हम एलिमिनेट कर सकते हैं, बिकॉज वॉरेन हेस्टिंग्स तो रिवोल्ट ऑफ 1857, वॉरेन हेस्टिंग्स जो है बहुत बाद में आया है, मतलब वो इस टाइम पर नहीं था। फर्स्ट यूरोपियन पावर अगर हम देखें, उससे पहले बहुत ज़्यादा क्वेरल हुई थी, ब्रिटिशर्स का पूरा कंट्रोल इस्टेब्लिश हो गया था इंडिया में वॉरेन हेस्टिंग्स के आने से पहले ही। सो ए और डी जो है हमारा आंसर नहीं हो सकता। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो डुप्ले था ही वॉज दी फ्रेंच सॉरी गवर्नर, उसके आने के बाद ही जो है उसने जो है फिर से कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हो गई थी बिटवीन द इंडियन प्रिंसेस एंड द ड्यूप्ले। इसलिए हमारा जो आंसर है दैट इज ऑप्शन बी हियर। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो इस क्वेश्चन में हमारे पास दो लिस्ट गिवन है, एक तरफ जो हमें टाइम पीरियड गिवन है और दूसरी तरफ जो मेजर वॉर्स हुई थी उनके बारे में गिवन है, और हमें उनको करेक्टली मैच करना है। सो बहुत ईजी क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो सारी वॉर्स यहाँ पर गिवन है मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। सो पहली जो एंग्लो मराठा वॉर है जिसके बारे में हमें अभी पढ़ा था, सो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर जो है 1775 में स्टार्ट हुई थी। ठीक है, सो ए इज मैच टू थ्री। सो वैन वी नो दैट ए इज मैच टू थ्री, तो हम ऑप्शन ए और ऑप्शन बी को ईजिली एलिमिनेट कर सकते हैं। उसके बाद और जो यहां पर वॉर गिवन है, जैसे एंग्लो बर्मीज वॉर है, एंग्लो अफगान वॉर है, सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर है, इसके बारे में एनसीईआरटी में डायरेक्टली गिवन है। सो 1780 में क्या हुआ था, सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर हुई थी। देन 1824 में फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर हुई थी। 1838 में फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर हुई थी। तो इस तरीके से हमें टाइम पीरियड मैंने आपको बताया था बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर हम मेडिवल इंडिया को देखें। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप जब भी सॉल्व कर पा सकते हैं जब आपको टाइम पीरियड पता हो, जो भी पर्टिकुलर मेन मेन इवेंट्स हुए हैं एटलीस्ट उनका। तो सो इससे हमारा जो आंसर आता है दैट इज ऑप्शन सी। द नेक्स्ट क्वेश्चन, सो दिस क्वेश्चन केम इन द प्रीलिम्स ऑफ 2003 एंड द क्वेश्चन इज विद रेफरेंस टू द एंट्री ऑफ यूरोपियन पावर्स इन टू इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। तो इसमें हमसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। सो जो हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है दैट इज़ द पोर्चुगीज कैप्चर्ड गोवा इन 1499। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये ही इनकरेक्ट है, बिकॉज पोर्चुगीज ने जो है गोवा को कैप्चर किया था 1510 में एंड नॉट इन 1499। सो ऑब्वियसली हमारा आंसर जो है ऑप्शन ए है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं, और अगर आपको सारे स्टेटमेंट्स के बारे में नहीं पता, डायरेक्ट आपको फैक्ट पता है, तो भी ये वाला क्वेश्चन जो है ईजिली सॉल्व हो सकता है, बिकॉज ये तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड फैक्ट है कि गोवा को कैप्चर किया था पोर्चुगीज ने 1510 में, मैंने आपको स्लाइड्स में भी बताया था। सो ए इज दी आंसर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिस केम इन 2003 एंड द क्वेश्चन इज इन इंडिया अमंग द फॉलोइंग लोकेशंस द डच इस्टैब्लिश देयर अर्लीस्ट फैक्ट्री एट। तो इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि पहली जो फैक्ट्री इस्टैब्लिश की थी डच ने दैट वॉज इन द पोलिकट। सो आर आंसर इज ऑप्शन बी।
देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में भी हमारे पास टाइम पीरियड गिवन है और दूसरी तरफ जो मेजर वॉर्स हुई थी उनके बारे में गिवन है, और ये वही क्वेश्चन है जो इससे पहले हमसे पूछा गया है. तो ये वाला क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ है, इसका आंसर आप इजीली दे सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड. ठीक है, सो हमारे पास करेक्टली मैच्ड जो पेयर्स हैं वो हैं सेकेंड, दैट इज थर्ड मैसूर वॉर हुई थी 1790 से 92 के बीच में, और थर्ड दैट इज फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर हुई थी 1824 से 26 के बीच में. सो टू एंड थ्री आर द करेक्टली मैच्ड पेयर, दैट इज आर आंसर है. तो और जो दो वॉर्स गिवन है जो इनकरेक्ट हैं वो कब हुई थी? सो पहली फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर जो हुई थी वो हुई थी 1775 से 82 के बीच में, और सेकेंड एंग्लो सिख वॉर जो हुई थी वो हुई थी 1848 से 49 के बीच में. तो ये सारी जो इंपॉर्टेंट वॉर्स हैं एनसीईआरटी में जो गिवन है सारी इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, उनका टाइम पीरियड को आप मिस नहीं कर सकते, सो रिमेंबर दैट. द नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट. तो इसमें हमसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है. सो पहला स्टेटमेंट है, द मॉडर्न कोची वॉज अ डच कॉलोनी टिल इंडियाज इंडिपेंडेंस. तो ये वाला जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है. वाई? बिकॉज जितनी भी डच की कॉलोनीज थी वो सारी जो है ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आ गई थी 1795 में ही. मैंने आपको बताया था कि 1795 में जो है डच का इन्फ्लुएंस पूरा लूज हो गया था इंडिया में, तो तभी जितनी भी डच कॉलोनीज हैं वो ब्रिटिश के कंट्रोल में आ गई थी, इसलिए ए जो स्टेटमेंट है दैट इज इनकरेक्ट. उसके बाद सेकंड है, द डच डिफीटेड द पोर्चुगीज एंड बिल्ट फोर्ट विलियम्स इन द मॉडर्न कोची. तो ये वाला जो स्टेटमेंट है स्ट्रेट फॉरवर्ड इनकरेक्ट है, बिकॉज हमें पता है कि जो फोर्ट विलियम्स है दैट वॉज बिल्ट बाय ब्रिटिशर्स, सो ऑप्शन बी इज ऑल्सो इनकरेक्ट. देन थर्ड है, द मॉडर्न कोची वॉज फर्स्ट अ डच कॉलोनी बिफोर द पोर्चुगीज टुक ओवर. ठीक है, लेकिन ये वाला स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है, बिकॉज जो कोची वाला एरिया है वो डच की कॉलोनी नहीं थी. सबसे पहले जो है पोर्चुगीज जो हैं दे वर द फर्स्ट टू इस्टेब्लिश और फर्स्ट टू टेक कोची एज देयर कॉलोनी, इसलिए सी वाला जो ऑप्शन है वो भी इनकरेक्ट है. ये सारे स्टेटमेंट्स जो हैं एनसीईआरटीज में डायरेक्टली गिवन है कि पहले जो है कहाँ पर सबसे पहले किसने अपनी अथॉरिटी इस्टेब्लिश की थी, जो मेन मेन सेंटर्स हैं, सो कोची इज़ वन ऑफ देम, डायरेक्टली एनसीईआरटी में मैंशन है. अगर आपने एनसीईआरटीज को ध्यान से पढ़ा है तो ये क्वेश्चन आप ईजिली कर सकते हैं. सो ए, बी और सी जो है तीनों इनकरेक्ट स्टेटमेंट हैं. जो फोर्थ हमारा स्टेटमेंट है दैट इज द मॉडर्न कोची नेवर बिकेम अ पार्ट ऑफ ब्रिटिश कॉलोनी, इसलिए जो फोर्थ स्टेटमेंट है दैट इज करेक्ट. सो डी इज द आंसर है. द नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द बैटल फॉट इन इंडिया इन द 18th सेंचुरी. तो यहाँ पर हमें जो है चार बैटल्स दी गई हैं और हमें उनको करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है. मीन सबसे पहले जो बैटल हुई थी उसको सबसे पहले, देन जिस हिसाब से हुई थी उस हिसाब से इनको अरेंज करना है. सो इनके बारे में मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ. सो बैटल ऑफ एम्बोर जो हुई थी दैट हैपेंड इन 1749. तो सबसे पहले वो आएगी, तो ए और सी को जो है हम एलिमिनेट कर सकते हैं. सो सबसे पहले हुई थी बैटल ऑफ एम्बूर 1749 में, देन बैटल ऑफ प्लासी हुई 1757 में, देन बैटल ऑफ वॉन्डेवॉश हुई 1760 में, देन बैटल ऑफ बक्सर हुई 1764 में. ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारा अरेंज होते हैं ये सारी बैटल्स, दैट्स वाई आर आंसर इज ऑप्शन बी. तो आप देख सकते हैं कि बैटल किस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हुई, इससे बहुत सारे क्वेश्चन हम देख चुके हैं जो कि प्रीवियस ईयर्स में आए हैं. तो आई होप आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझ आ रही होगी कि बैटल्स जो हैं उनका टाइम पीरियड क्या है, ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है. द नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन केम इन द प्रीलिम्स ऑफ 2010 एंड द क्वेश्चन इज विद रेफरेंस टू पॉन्डिचेरी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. सो पॉन्डिचेरी से रिलेटेड यहाँ पर तीन स्टेटमेंट्स गिवन हैं एंड वी हैव टू टेल दैट विच ऑफ देम आर करेक्ट. सो फर्स्ट इज द फर्स्ट यूरोपियन पावर टू ऑक्यूपाई पॉन्डिचेरी वर द पोर्चुगीज. तो ये जो है बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट है, हर एनसीईआरटी में गिवन है कि पहली बार जो है पॉन्डिचेरी किसने ऑक्यूपाई की थी, इट वॉज द पोर्चुगीज. सो फर्स्ट जो है हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है. उसके बाद सेकेंड है, द सेकेंड यूरोपियन पावर टू ऑक्यूपाई पॉन्डिचेरी वर द फ्रेंच. तो ये वाला जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, बिकॉज पोर्चुगीज़ के बाद जो पॉन्डिचेरी पर अपना अथॉरिटी इस्टेब्लिश की दे वर द डच एंड नॉट द फ्रेंच, इसलिए सेकेंड इज़ इनकरेक्ट. उसके बाद थर्ड है, द इंग्लिश नेवर ऑक्यूपाइड पॉन्डिचेरी. तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये भी इनकरेक्ट है, बिकॉज वी ऑल नो कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने पॉन्डिचेरी को ऑक्यूपाई कर लिया था, मैंने आपको बताया भी था. सो थर्ड वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. सो सेकेंड एंड थर्ड आर इनकरेक्ट, बट हमसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, दैट इज़ फर्स्ट स्टेटमेंट, दैट्स वाई आर आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज़ वन ओनली. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है,
this question came in the prelims of 1995, and the question is, Hooghly was used as a base for piracy in the Bay of Bengal by the Portuguese, the French, the Danish or the British. तो ये वाला question भी straight forward है, direct NCERT से pick किया गया है कि जो Hooghly जो थी that was used as a base for piracy by the Portuguese. So A is the answer here. So NCERT पढ़ना बहुत ज़्यादा important है. इनफैक्ट जितने भी क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स में इस टॉपिक से सारे एनसीईआरटी से आए हैं, एक भी क्वेश्चन जो है बाहर से नहीं आया. सो एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है. द नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन रूलर्स एस्टैब्लिश्ड एम्बेसीज इन फॉरेन कंट्रीज ऑन मॉडर्न लाइन्स. सो हमारे पास ऑप्शन है, हैदर अली, मीर कासिम, शाह आलम सेकेंड और टीपू सुल्तान. तो ये वाला क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है. डायरेक्ट हमने टीपू सुल्तान के बारे में हम जहाँ भी पढ़ते हैं वहीं पर हम डिस्कशन होता है कि टीपू सुल्तान वॉज दी वन, उसने जो है फॉरेन कंट्रीज़ के साथ एम्बेसी इस्टेब्लिश की थी फॉरेन कंट्रीज़ में, और फॉरेन कंट्रीज़ के साथ उसने बहुत सारी ट्रीटी भी की थी, और जो उनकी ऑर्गेनाइजेशंस थी साइंस से रिलेटेड उसमें भी पार्टिसिपेट किया था. सो हमारा जो आंसर है दैट इज़ ऑप्शन डी, टीपू सुल्तान. वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन केम इन द प्रिलिम्स ऑफ रीसेंट 2018, एंड द क्वेश्चन इज, द स्टेपल कमोडिटीज ऑफ एक्सपोर्ट बाय द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम बंगाल इन द मिडिल ऑफ द 18th सेंचुरी वर. तो जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो कौन कौन सी स्टेपल कमोडिटीज़ हैं जिनको वो एक्सपोर्ट करती थी, कब? इन द मिडिल ऑफ द 18th सेंचुरी, यानी जो है हमसे एंशियंट टाइम के बारे में नहीं पूछा जा रहा. तो यहाँ पर की वर्ड जो है दैट इज मिडिल ऑफ द 18th सेंचुरी. तो एंशियंट में जो है डिफरेंट प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट किया जाता था, लेकिन 18th सेंचुरी तक आते आते जो है प्रोडक्ट्स डिफरेंट हो गए थे. तो वो हमसे बताया गया है कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो कौन सी कमोडिटीज़ को एक्सपोर्ट करती थी इस टाइम पर. हमारे पास ऑप्शंस हैं, रॉ कॉटन, ऑयल सीड्स एंड ओपियम, शुगर, सॉल्ट, जिंक एंड लैड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, स्पाइसेस एंड टी, एंड कॉटन, सिल्क, सॉल्ट पीटर एंड ओपियम. तो ये वाला क्वेश्चन जो है हर एनसीईआरटी में इसके बारे में गिवन है. जब भी चैप्टर शुरू होता है तो वहीं पर डिस्कशन किया जाता है कि जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो कौन कौन से प्रोडक्ट्स को जो है एक्सपोर्ट करती थी, जिसकी वजह से वो इंडिया के साथ ट्रेड करने में अट्रैक्ट भी हुई थी एट दी फर्स्ट प्लेस. ठीक है, तो इसका डिस्कशन हर बुक में है, इसलिए ये क्वेश्चन जो है वो आपके लिए असाइनमेंट क्वेश्चन है. इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या है. तो इससे आपका रिविजन भी हो जाएगा, और अगेन आई एम टेलिंग यू एनसीईआरटी जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्पेशली इस चैप्टर के लिए, तो आपको मिस नहीं करनी है. सो गाइज, दिस वॉज इट फॉर टुडेज वीडियो, एंड आई होप कि आपकी प्रिपरेशन में इससे बहुत हेल्प मिल रही होगी. एंड फॉर मोर वीडियोज लाइक दैट यू कैन सब्सक्राइब टू आर टेलीग्राम चैनल एज वेल एज आर यूट्यूब चैनल. और अगर आपको कोई क्वेरी है तो यू कैन मेल अस एट hello@civilstep.com. अगला जो लेक्चर है यहाँ पर जो भी ब्रिटिश टाइमलाइन थी, यानी जो ब्रिटिशर्स का एडवेंट हो गया, इसके बाद से जो है हमारी मॉडर्न हिस्ट्री शुरू हो जाती है, और इसके बाद के जितने भी इवेंट्स हैं, किस तरीके से इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली वहाँ तक, वो मैंने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जो है वहाँ पर सारे लेक्चर्स में डिस्कशन किया है, और वो ऑलरेडी प्लेलिस्ट में है सिविल स्टेप की, वहाँ जाकर उनको देख सकते हैं इसके बाद का जो भी हमारे पास टाइमलाइन है. लेकिन जो मेडिवल हिस्ट्री है उसके आर्किटेक्चर के बारे में, कैसी इकोनॉमिक थी, कैसी सोसाइटी थी, कौन कौन से पोएट्स थे, कौन कौन से राइटर्स थे, इन सब के बारे में अभी हमारे जो दो लेक्चर्स बचे हुए हैं वहाँ पर डिस्कशन करेंगे. ऑलराइट, टिल देन गुड लक फॉर योर स्टडीज़. थैंक यू सो मच. बाय बाय.